हाँ, रघु और मैं मिले थे जब मैं बीबीसी में थी, वो मेरे डायरेक्टर थे, तो हम लोग एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, तो हम लोग बहुत समय तक दोस्त भी थे। फिर वो बॉम्बे आए, फिर मैं बॉम्बे आई, फिर हमने शादी भी की। बहुत अच्छा चला, मेरे बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुखद 10 साल रघु और मेरे बीते हैं व्हेन वी वर मैरिड। हमारी बिल्कुल प्रायोरिटीज सेम थे, बट आई थिंक देन यू ग्रो अप, नो, इट्स लाइक आप उसी समय बड़े हो रहे हैं। मेरे आई थिंक मैं 22 की थी, 22, हाँ 22 की थी आई थिंक। तो उस समय तो आप, फिर जब आप अपने 30s में आते हैं तब तब तो आप बड़े हो चुके हैं, तो देन आई थिंक यू स्टार्ट टू सॉर्ट ऑफ पार्ट वेज अ लिटिल बिट। बट अभी भी ही इज माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, और उनकी वाइफ नैटली, वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और उनका जो बेटा है रिदम, मतलब आई डोंट नो, इट जस्ट फील्स लाइक फैमिली। और मुझे बहुत वियर्ड लगता है जब लोग ऐसे देखते हैं ना कि अरे कैसे, हाउ आर यू लाइक दिस, मुझे ऐसा लगता है कोई इसमें, मतलब इतना वियर्ड है ना कि अगर 10 साल आपकी किसी के साथ रिलेशनशिप है, जिनको आपने इतना, आप इतना बड़ा हिस्सा थे आपकी लाइफ का, कि वो सडनली उसके कोई मायने ना रह जाए। क्यों? क्योंकि सोसाइटी वाइज ये होता है, एक्स ऐसे होता है, न्यू ऐसे होता है, करंट ऐसे होता है, वो सब मेरे को बकवास लगता है। आई फील दैट आई हैव ट्रस्ट इन माई फ्रेंडशिप्स, एंड दैट्स वाई आई दे हैव स्टिल सर्वाइव्ड। बहुत कम ऐसे मौके हुए हैं जब पार्टनर्स अलग हुए हों और मैं किसी पार्टनर एक पार्टनर से बात कर रहा हूं और इतने खुले दिल से, इतने खुश होकर और इतने समझा कर बात कर रहा है। ना तो आपको झिझक है इस रिश्ते को लेकर बात करने में, नो नो नॉट एट पहले पहले दोस्ती, फिर प्यार, फिर शादी, फिर अलगाव, फिर अभी दोस्ती, यू नो, करेक्ट, एक हाँ ये सब कुछ। फिर अभी उनका जो नया परिवार है उसके साथ भी आपकी पटती है। जी। और नैटली जो उनकी वाइफ है, वो खुद बहुत टैलेंटेड है, वो ओपरा सिंगर है, और वो मतलब वो उतना, उनको अगर आप गाते हुए सुन लो, अगर नैटली के कोई वीडियोस देखें आप, शी इज सो टैलेंटेड, मतलब एज एन आर्टिस्ट आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर। और वो जो कि वो एक नई पार्टनर है, वो तो सब बात की बात है, बट फर्स्ट शी इज अ वुमन एंड शी इज स्किल्ड, शी इज एन आर्टिस्ट, मतलब बहुत सारी और चीजें हैं नैटली को देखने के लिए, कि मतलब एक ही नजरिया नहीं हो सकता कि वो रघु की करंट पार्टनर है, वो खुद भी एक इंसान है, और वो उनकी खुद भी एक बहुत एक अमेजिंग लाइफ रही और एक अमेजिंग लाइफ है। तो वो मुझे उनके बारे में बहुत पसंद है, एंड ऑल्सो शी इज वेरी नाइस, शी इज वन ऑफ द वार्मेस्ट पीपल आई मेट। या मतलब आई फील रघु और मैं तो छोड़िए, नैटली का समझना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यू नो, सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर मोर देन आई डू फॉर हाउ रघु एंड आई हैंडल इट। आई एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द वे शी इज, बिकॉज शी इज, या शी इज अमेजिंग। कभी कभी खलिश होती है कि एक रिश्ता जो था और लंबा हम खेल सकते थे, रह सकते थे, कभी खलिश जी होती है आपको, कभी सोचती हैं कि नहीं संजय, मैं वैसी हूं नहीं, मेरा वो मेरा सिस्टम नहीं है वो, ना ही रिलेशनशिप्स को लेके, ना ही काम को लेके, मेरे को वो थॉट प्रोसेस मेरे को समझ में नहीं आता। बिकॉज अगर आप वहां थे, अगर आपका चाहे वो काम हो चाहे रिलेशनशिप्स हो, अगर आप कंप्लीटली वहां नहीं थे, तभी जब आप निकलेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ी रिग्रेट रह गई है, बट मेरे लिए वो नहीं है, बिकॉज इट वॉज अ वेरी वेरी हैप्पी टाइम इन माई लाइफ, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर इट, दैट नो, इट्स दैट्स इट, इट वॉज डन। आप इजाजत दे रही हैं इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, वो कौन सी चीज थी जब आपको लगा कि अब अलग हो जाना है? आई थिंक हम लोग दोनों बहुत बिजी हो गए थे, वो रघु वॉज वेरी बिजी, आई वॉज वेरी बिजी, तो एट सम पॉइंट वो बहुत ही, मतलब ये तो आई थिंक सबके साथ ही ये होता है, जो लोग अगर कपल्स जो दोनों बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करते हैं अपने करियर्स में, और उस समय मैं बहुत ज्यादा बिजी थी और रघु भी बहुत बिजी थे, देन यू स्टार्ट ट्रैवलिंग, देन यू स्टार्ट स्पेंडिंग लेस टाइम, यू हैव लेस थिंग्स इन कॉमन, तो आई थिंक जैसे जैसे वो ऐसे ऐसे जाते हैं, फिर आप कोशिश करते हैं, बट फिर वो जो कॉमन चीजें हैं वो नहीं रह जाती, फिर उनको खींचने का कोई मतलब ही नहीं है। एंड देन आई थिंक रघु और मेरे लिए प्रायोरिटी वॉज टू सेव आर फ्रेंडशिप ऑलवेज, विच वी डिड। रघु और उनके भाई जो हैं एक जैसे दिखते हैं। कभी कभी आपसे, जब आप साथ में थी, कभी गलती हुई आपसे? अरे ये कर, इन्होंने कोशिश की थी ये प्रैंक करने की, है ये राजीव है, रघु है, नहीं वो रघु को मैं 100 किलोमीटर दूर से पहचान सकती हूँ कि वो रघु है, नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ थैंकफुली ना। आई थिंक नहीं, वो लोग आइडेंटिकल हैं, बट जो लोग देखते रहते हैं उन्हें पता, बिल्कुल यू कैन टेल के दिस वन इज दिस वन एंड दिस वन इज दिस वन। आपको
कोई ऐसा किस्सा जब लोग नहीं, मतलब कोई और फंस गया हो, आप तो ना फंसी हो लेकिन कोई और फंस गया हो इन दोनों को पहचानने में? तो मुझे याद नहीं है संजय, टू बी ऑनेस्ट विद यू, नहीं यार अब तो याद नहीं है, बट यार दे हैव डन दिस, ये लोग हमारे साथ ही करते थे कि अगर हम लोग पार्टी में है तो आई रिमेम्बर रघु से कुहू, आई थिंक राजीव इज अबाउट टू कम, एंड देन 2 मिनट्स लेटर राजीव वुड एंटर द पार्टी, और मैं देख रही हूँ कि फोन पे कुछ बात नहीं हुई है, नथिंग, तो वो गेस कर लेता था कि राजीव आने वाला है, ये सब होता था। तो अपेरेंटली उससे ट्विन्स आर कनेक्टेड, पता नहीं, या तो कुछ झोल किया है या मैसेज किया है, पता नहीं, बट ये होता था कभी कभार।